प्रेरणा का मतलब ऐसे बिलीविंग। ये क्या बन रहा है हमारा? इसका साथ का कॉम्प्लीमेंट प्याज और हरी मिर्च। बाहर से खा रहे हैं कि अभी घर का ही खा रहे हैं? क्रेविंग तो होती है जलेबी की। हाँ, हर चीज़ तो घर में घर पे नहीं, जलेबी नहीं बन सकती तो जलेबी तो इमरती बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ये तो जरूर आती है, बस आती है। कचौड़ी फ्राई होगी, आलू निकल गए हमारे, बड़े बन गए हमारे। इस पर ज़रा गौर मारा जाए ज़रा। दीज आर होममेड पापड़ी। मतलब लॉकडाउन से पहले इट वॉज लाइक दाल मखनी चाहिए, पनीर बटर मसाला चाहिए, अब खिचड़ी आ गई है, न्यूट्रिशियस चीज़ें आ गई है। फैमिली ने मुझसे चाइनीज मील मांगा था, आई वाज सो सरप्राइज्ड बीइंग कोविड पॉजिटिव। नूडल्स मंगाए मेरे से, मोमोज मंगाया, मोमोज की सॉस कितनी स्पाइसी होती है। मारो थोड़ा कम मसाला खा लो इस समय, कम मसाले का। पुटिंग सॉल्ट विदाउट सॉल्ट बे एक्शन, द इंडियन थिंग टू डू। पापड़ी चाट सॉन्ट डाल के, एवरीथिंग होममेड भाई। इनके मसाले भी होममेड है, कूडोस। हाँ, जैसे भी रहो भाई, सेफ रहो और घर का खाना खा लो, वरना बाहर से घर वाला खाना खा लो। सो आई गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी, और संडे स्पेशल्स के चौथे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। पीछे के तीन एपिसोड्स में मैंने आपको दिखाया कैसे बदलाव आ रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोरोना काल में, स्ट्रीट फूड में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, जो आप घर पे खाना मंगवाते हो फूड डिलीवरीज उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अभी कोरोना काल में काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग जो है खाना बाहर का खा रहे हो, बट आपको जितना हो सके प्रिकॉशंस लेके खाना चाहिए। ऐसे ही आज एक हम लोग जगह पे आए हैं गुड़गांव में, एक होम शेफ से आपको मिलाने। घर का होममेड फूड आप लोगों को बाहर के जायके के साथ मिलेगा, कैसे आइए चलते हैं देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और सिंपल से एक जवाब का आंसर करिएगा, आपको कौन सा ज़्यादा खाना ज़्यादा बढ़िया लगता है, रेस्टोरेंट का खाना या घर का खाना। सिंपल सा जवाब, रेस्टोरेंट वर्सेस घर का खाना, कमेंट्स में बताइएगा। मैं चूज़ करूँगा घर का खाना, क्योंकि आज हम लोग घर के खाने की वीडियो बना रहे हैं ना। आइए चलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? यूजुअली हम लोग स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आज हम लोग घर पे बाहर का खाना खाने आए हैं। वेरी गुड, आई एम शची जैन एंड क्वालिफिकेशंस अगर देखो तो आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड आई हैव बीन इनटू एडवर्टाइजिंग। पैशनेट फूडी? आई एम अ पैशनेट फूडी जिसका हु लव्स टू कुक एंड ईट बोथ। खाऊंगी नहीं तो बनाऊंगी कैसे? ऑब्वियसली दोनों चीजें होनी चाहिए ना। चीजें ट्राई करूंगी तभी तो इनोवेशन भी डालूंगी ना। तो आज हमारे मेन्यू में क्या है, व्हाट आर वी हैविंग टुडे? आज हम बना रहे हैं बहुत टिपिकल बनारसी गोल मिर्च के आलू, गोल मिर्च यानी पेपर, गोल मिर्च के आलू, उसके साथ मटर की बेलना कचौड़ी, ओके, और मूंग की दाल के वड़े, और साथ में घर की बनी हुई पापड़ी चाट। तो ये सब मतलब ये जो टिपिकल यूपी स्ट्रीट फूड ही मेन्यू, जिसको हम लोग हाइजीन का तड़का देंगे आज, तो वो ये सब आपके मेन्यू में रहता है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप सिर्फ हमारे लिए बना रही है, आप लोग भी खा सकते हैं। एंड यू डू दिस डिलीवरी इन गुड़गांव? नो, आई डू दिल्ली एनसीआर। ओ, दिल्ली एनसीआर। पूरा ग्रेटर नोएडा तक चला जाता है। रोहिणी आएगा? बिल्कुल आएगा। ओ, रोहिणी भी आ जाएगा। चलो भाई, पहले पेज है ना, अच्छा, उसके साथ चला जाता है। एंड दे हैव दोस बॉम्बर फूड, पूरे वो रहते हैं। तो उसमें तो मतलब अगर मेरे को कचौड़ी कल को खानी हो, कल संडे है मतलब जब ये वीडियो डालेगी, तो मेरे को कचौड़ी खानी हो सुबह ब्रेकफास्ट में, तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूं, गरम गरम कचौड़ी आएंगी। ऑसम। नोएडा भेजे थे, गरम पहुंचे। एंड क्या नाम क्या है इस पेज का? मेरा जो ब्रांड है वैसे तो स्वाद का पहले बाय शची जैन, स्वाद का पहले बाय शची जैन, लेकिन बाय शची जैन के नाम से, बाय शची जैन के नाम से आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। आइए पहले खाना देखते हैं कैसे बनाएंगे, और थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, और ये देखते हैं कि भाई कोरोना काल में हाउ इज द होम शेफ बिजनेस बीइंग अफेक्टेड। स्पॉन्सर्ड बाय इम्यूनिटी ऑफ कोरोना काल, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। स्पॉन्सर मिला नहीं तो ऐसे डाल दिया। चलो जी, मैं हमेशा खाना घी में बनाती हूँ, जो मेरे छौके हैं सारे मैं घी में लगाती हूँ, मुझे ऑयल यूज़ करना पसंद नहीं है। क्योंकि ऑयल से आपको क्या गिले शिकवे हैं पहले बताइए शची जी। ट्रेडिशनल खाना तो घी में बनता है। बात तो वैसे सही है आपकी। तो एक आदमी के शरीर में कितना घी गया उतना फैट तो जरूरी है। इतना तो दिन में खाना भी चाहिए ना, उतना नहीं खा रहे तो फिर दिक्कत ही हो रही है ना। जो मेरा छौंका है इसमें ये गोल मिर्च, लौंग, पांच फोड़न और हींग, बहुत सारे खड़े मसाले हैं। इससे मैं छौंका लगा रही हूँ, जल्दी से आलू डाल रही हूँ जिससे कि मेरा छौंका ना जले, क्योंकि ये हम लोग बनारसी स्टाइल सब्जी बना रहे हैं।
अच्छा, हलवाई वाले आलू छिलके समेत काटते हैं हम इसको। छिलके में न्यूट्रिशन होता है, हाथ का जादू होता है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। गोल पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ यानी काली मिर्च, गोल मिर्च, काली मिर्च, ये कंफ्यूजन। अब एक बात और है, हरी मिर्च और काली मिर्च हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लाल मिर्च उतनी नहीं होती है। तो हम लोगों की जो कुकिंग है बेसिकली हम लोग के यहाँ यही ज्यादा यूज होता है। अच्छी तरह से डाली है मैंने, क्योंकि स्पाइस मेरा जो है, मेरे को लग रहा है कि अभी से जो खुशबू आ रही है ना, मेरे को लग रहा है आज मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। स्पाइस हमारा इसी में है सारा, और इसमें कोई मसाले नहीं है। हाँ, सिंपल कुकिंग है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें स्वाद स्वाद पूरा है, दैट इज़ राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि भाई अब मेरे को ये थोड़ा कमर्शियली करना चाहिए, मतलब खाने का शौक है मेरे को बट आई शुड डू इट कमर्शियली। पहले रियलाइज़ हुआ छः साल भी नहीं, 2010 में। ओके, तो 2010 में तो कल्चर भी काफ़ी कम था ना होम शेफ्स का, उस टाइम पे तो था ही नहीं। देखो, जो चीज़ आप एंजॉय करके करोगे ना, हाँ, वो आपको हमेशा खुशी दे। उसमें कोई आपको कुछ हिकअप्स भी आते हैं ना, तो भी इट्स लाइक अ लर्निंग ओनली। हाँ, आप उसको चेंज कर लेते हो। सही बात है, जैसे अभी ये पिछले 6 महीने पूरी दुनिया के लिए ऐसे निकले ना, हमारे लिए भी हुए, हमारा पड़ोसी थोड़ा सा ऐसा ही है ना, हमारा पूरी दुनिया को परेशान किया उसने। सिंपल मसालों के फ्लेवर्स। मेरा भाई पता कैसे स्मेल करता है, ऐसे ऐसे ही करा जाता है, ऐसे नहीं बोलना था ना, मेरा बड़ा भाई है, आपको मेरी साइड लेनी थी। लटपटा सब्जी बनाना। लटपटा काफी यूपी वर्ड है ये। लिपटवा हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। अब देखो, तब तक हम ये बना रहे हैं अपने वड़े बना रहे हैं हम लोग। इसका मैंने बैटर बनाया है, ये साबुत मूंग की दाल का है। इसी मुझे ये लगता है कि साफ साफ सफाई होती जाए तो अच्छा लगता है, गंदे में काम नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाती है। मैंने भिगो के रखा था, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो शूट करने में थोड़ा सा ना ये अखड़े मकड़े बहुत होते हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा है, केवल नमक है और थोड़ी मोटी मोटी कटी हरी मिर्च। ओहो, जैसे लिट्टी चोखा के साथ सर्व होता है। यूपी में रहो अभी, बिहार मत जाओ तुम। नहीं, लिट्टी चोखा तो लखनऊ में भी खाते हैं। बाटी चोखा हो गया ना वो, लिट्टी खाते हैं पर उसको यूपी में बाटी बोलते हैं, बिहार में लिट्टी बोलते हैं ना, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। मैं वैसे यही, मैं मेरे को बहुत पसंद है लिट्टी, मैं जब भी गुड़गांव आता हूँ आई मेक श्योर मैं हुड्डा के बाद लिट्टी चोखा जरूर खाऊं। इट्स अ थिंग दोस्तों। अच्छा भी बनाते हैं। हाँ, वो अच्छा। ये आटा गूंदा हुआ है कचौड़ी के लिए। ओके, ये ब्लैक ब्लैक क्या है इसमें? कलौंजी, केवल नमक और कलौंजी, बनारसी चीज, केवल कलौंजी और नमक से बनता है। ये मैंने कुछ भर के रखी नहीं है, इसमें दाल है, दाल की स्टफिंग, ये दाल की प्योर बनारसी। आज का मेरे को ऐसा ना ऐसा फीलिंग आ रही है ना। हाँ, वो एक ना वो एक गली है वहाँ पे बनारस में ना, कॉन्सेप्ट है छोटी कचौड़ी, मीडियम कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी। हाँ, बनारस में ना घाट घाट के एड्रेस से ही लोगों को याद है। ये हमारी मटर की फिलिंग है। आहा, आज होने वाले इसमें कचौड़ी में भरेंगे। तो मैं आपको दो तरह से दे रही हूँ कचौड़ी, दाल की और मटर की। अब जिसको जैसे पसंद हो वैसे, तो ये लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे को दाल की खानी है या संडेज आर ऑलवेज स्पेशल, संडे स्पेशल्स मस्त। तरह से भर लेती हूँ मैं, और देखो लाइफ में ना डीमोटिवेट नहीं होना कभी भी। संडे कोरोना काल चल रहा है तो क्या, कोरोना काल नाम की संडे स्पेशल्स की सीरीज बना दी। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन लाइफ, दिस इज द वे। हम फिल करेंगे इसको, ये कचौड़ी छोटी कचौड़ी होगी, मीडियम कचौड़ी होगी, ये बड़ी कचौड़ी होगी। दिस वॉज द थिंग मैं जो बनारस सीरीज में कर रहा था, हर चीज़ को लेबल कर रहा था, ये छोटी है, ये मीडियम है, ये बड़ी है। तीन टाइप की कचौड़ियाँ खाई थी मैंने बनारस में, मतलब स्टफिंग का पार्ट साइज वाली। आई नो, हमारा तेल तब तक गर्म हो गया, फास्ट। तो अभी कैसे, मतलब जैसे लॉकडाउन में कैसे चेंजेस आए हैं आपके ऑर्डर्स में, जो कर लोग डिमांड कर रहे हैं? मतलब लॉकडाउन से पहले पीपल वर से डिमांडिंग थालीज और ये सब खाना, अब लॉकडाउन में क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों का? लॉकडाउन में देखो, स्ट्रीट फूड तो इजीली अवेलेबल है नहीं लोगों को। तो ये वाली क्रेविंग्स आ रही है, अब क्रेविंग्स आ रही है लोगों की, बिकॉज दिस इज अ टिपिकल, मतलब मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि हम लोग घर में बनारसी कचौड़ी और सब्जी खा रहे हैं। आप भी, मैंने लॉकडाउन में खूब सारे लोग समोसे बनाए हैं। अच्छा, खूब गोलगप्पे, आलू टिक्की, और वो गरम गरम पैक होके जा रहे हैं, राम लड्डू। हो हो हो, सारी चीजें लोगों की क्रेविंग्स को पूरा किया है मैंने, हाइजीनिक तरीके से।
दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक ट्रांजिशन पीरियड है ना कि अभी थोड़ा थोड़ा जैसे पीपल आर गेटिंग यूज टू इट, बट पूरा ठीक भी नहीं हुआ. तो आपको अपने साइड से भी प्रिकॉशंस लेके बाहर का खाना कहीं से भी आप मंगवा रहे हो तो आपको अपने साइड से प्रिकॉशंस लेके. देखो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से पूरा हाइजेनिकली पैक करके देना. हाँ लेकिन एट द सेम टाइम आई विल एडवाइस कि आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लें. You know there are families with full families which are COVID affected. I know. I'm trying to supply nutritional food to them. क्योंकि उनको protein level high चाहिए. So you need high protein. High protein खाना चाहिए. So उनके लिए एक हर meal में दाल is for vegetarians. दाल is heaven. Heaven. Shachi ji is pure vegetarian. I'm pure vegetarian. Plus paneer. Not that I'm very fond of paneer. Paneer is rich in proteins. तो खाना पड़ता है. तो वो तो खाना ही है. खाना ही है. तो अब इन सब खानों को भी आप nutritionally देंगे तो better. घर का बना हुआ है. तो I'm providing food at a reasonable cost. These meals are priced at approximately 150 per meal. Okay. इसके अंदर obviously दाल रोटी होगी. मैं एक्चुअली कस्टमाइज करके दे रही हूँ जो आपकी पसंद है. मतलब यू आर आप ऑप्शन दे रहे हो कि ये ऑप्शन है, यू कैन चूज ये, आपको जो चाहिए मैं वो बना के. अच्छा तो मतलब इसलिए क्योंकि देखो क्रेविंग्स भी होती हैं, न्यूट्रिशन भी चाहिए. ट्रू. और घर हर हाउस होल्ड का कुकिंग और ईटिंग स्टाइल थोड़ा फर्क होता है. ये भाई बहुत वो चीज़ है. मैं किचन में गप्पे मारते मारते खाना बनाऊँ ना तो फिर सब्जी पके ना पके सब्जी जल जरूर जाएगी. आपको आदत हो गई ना. मेरी मम्मी को भी ऐसी आदत है. मम्मी से किचन में गप्पे मारते मारते बात कर लो ना, एक सीटी चावल की इधर उधर नहीं होती. दिस इज़ अ गिफ्ट आई थिंक विच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीच यू. नेचुरली गिफ्टेड होती है बिकॉज उनको हम कैसे, हाउ कैन आई लर्न दिस गिफ्ट. कुछ फैमिली भी है कि इतनी वीकनेस होती है खाने का मन नहीं करता. आई नो. कोई एक चीज और उसके साथ में रोटी पराठा जो चाहिए वो. वन दाल प्लस वन सब्जी स्लैश खिचड़ी और वट एवर एंड रोटी. मैंने खिचड़ी भी बना के दी है. खिचड़ी काफी इजी रहता है ना टू डाइजेस्ट इन प्लस इट्स न्यूट्रिशियस आल्सो. मतलब दिस इज द चेंज दैट इज हैपनिंग विद कोविड ना, कि मतलब लॉकडाउन से पहले इट वॉज लाइक दाल मखनी चाहिए, पनीर बटर मसाला चाहिए, अब खिचड़ी आ गई है, न्यूट्रिशियस चीजें आ गई है. फैमिली ने मुझसे चाइनीज मील मांगा था. आई वाज सो सरप्राइज्ड बीइंग कोविड पॉजिटिव. हां आप चाइनीज खाओगे तो वो स्पाइसी खाना खाके आप कहां जाओगे. अरे इटालियन खा लेते, जर्मन खा लेते, मैक्सिकन खा लेते, आप सब बनाते ना. चाइनीज नूडल्स मंगाए मैंने, से मोमोज मंगाया. मोमोज की सॉस कितनी स्पाइसी होती है. आई नो. और कहाँ से आया ये चीज, थोड़ा तो देखते. मतलब आजकल लोगों को शर्म ही नहीं है बिल्कुल. बाय गॉड मारो. थोड़ा कम मसाला खा लो इस समय. कम मसाले का खाना खाना. हेलो हम बनारस में इसको गोल मिर्च के आलू जरूर बोलते हैं लेकिन हम तो इसको हलवाई वाले आलू बोलते हैं. हाँ घर में ऐसा होता है ना, हलवाई वाले आलू हम उसको बोलते हैं, लंगर वाले आलू बोलते हैं हम लोग. तो इसको हलवाई वाले. हर घर में ना अपनी टर्मिनोलॉजी होती है चीजों के बोलने की. बेलना का मतलब ऐसे बिलीव. ओके. खस्ता कचौरी जो होती है वो कम बेलते हैं. अच्छा अब ना मैंने तेल लगाया ना कुछ में लगाया. लोग तो खूब सारा तेल लगा के. हाँ जरूरत ही नहीं. कितनी देर रेस्ट करते हैं इसको. तो काफी देर तक रेस्ट. तो 10-15 मिनट बहुत होते हैं लेकिन मैं तो क्योंकि आप लोग का वेट कर रही थी तो थोड़ा जाता. दिल्ली से गुड़गांव के बीच में आता है ढोला कुआ, वहाँ पे होता है जाम. कोरोना हो ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता. इसमें ढोला कुआ की गलती है. एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू. आप इसको छू के देखो, इसमें हाथ में तेल नहीं है. ब्यूटीफुल. फ्राई किया है मैंने. मैं खा लूं ये. लो हाँ. लोग अभी एयर फ्रायर करते हैं. मेरे को ऐसा लग रहा है कुट्टू के आटे का बना हुआ है. मतलब पूरा वो है साबुत मूंग दाल का टेस्ट. पता नहीं नमक कैसा. ठीक है. नाइस. काफी हेल्दी वाली फीलिंग आ रही है. कितनी देर लगी हमें पकने में इसको. अच्छा हाँ पकने में टोटल इस 15 मिनट प्री प्रेप और वो मिला के. कोई देर नहीं है अब इसमें एक दो. बट दिस इज 15 मिनट प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. कंडीशन अप्लाई होता ना. स्पीड से काम करने की आदत पड़ी है. ऑनेस्टली आई हैव ऑलवेज सीन माय मदर वर्किंग वेरी फास्ट. सेम एवरी मदर इज लाइक द सेम. माय ग्रैंडमदर बोथ हैव बीन वेरी वेरी. मम्मा आई एम वॉचिंग यू. फटाफट ये थोड़ा गरम मसाला घर का बना हुआ.
ऑब्वियसली गरम मसाला एंड धनिया। हरा धनिया के बिना मेरा खाना नहीं पूरा होता। धनिया मतलब इट्स अ कैसे बोले, मतलब धनिया अगर डल गया तो फिर डिश कंप्लीट होगी। अभी हमारे आलू कंप्लीट, आलू रेडी है, कचौड़ी फ्राई हो जाएगी, कचौड़ी फ्राई होगी, आलू निकल गए हमारे, वड़े बन गए हमारे, और ये जो पापड़ीज हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये होममेड आप बता रहे थे मेरे को, इस पे ज़रा गौर मारा जाए ज़रा, दीज आर होममेड पापड़ीज। मैंने एक और ले ली, आई होप यू डोंट माइंड। मम्मी ने बोला दूसरों के घर जाओ तो कम खाना खाना। फटाफट फटाफट काम हो रहा है, दैट इज नाइस। ये जा रही है मटर की गरम तेल में, अब चलेगी तो बेचारी, दर्द तो होगा उसको गरम तेल में चाहेगी तो। कचौड़ी हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, ना फूल जाएगी। अच्छा जरूरत नहीं होती है इसके साथ। अच्छा दिस थिंग, ये लोगों को होता है, काफ़ी लोगों को होता है, दिल्ली वाले दबाते रहेंगे, नहीं दिल्ली वाले कंसिडर दिस एज पूड़ीज, ये यूपी और दिल्ली में होता है। एक्चुअली ये कचौरी है। नहीं ये मतलब जिसे लोग बेड़मी बोलते हैं। हाँ बेड़मी, पता है क्यों आया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने बेली है, बेड़मी, बेड़मी को बेड़मी नहीं होता, बी ई डी एम आई। अरे तो उसको अच्छा जिसको बोलना नहीं आया होगा उसने ड कर दिया होगा। मैं हमेशा बेड़मी बोलता था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पुरानी वीडियोस देख के देख ले रहा हूँ। फूल गई है, हमें जरूरत नहीं। पूरी में प्लेन होती है भाई, चाहे नमक अजवाइन डाल दिया, चाहे कुछ भी डाल दो, हल्दी नमक डाल दो, हाँ पालक डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, पूरी हो गई, वो पूरी हो गई। जब फिलिंग है कचौड़ी। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू पार्ट टू बेलमा। उसने जहाँ जो बोला चाहिए उसने हमें बोला शुरू कर दिया। फ्लफी, हाँ हाँ, तेल भी इसमें कुछ नहीं आया। अच्छा वही मैं सोचूँ, मेरे दिमाग में जब दिल्ली के, दिल्ली वाले के दिमाग में कचौड़ी आता है ना, उसके दिमाग में वो, बट आप लोग उसको खस्ता बोलते हैं, वो खस्ता बाहर से खा रहे हैं कि अभी घर का ही खा रहे हैं? जैसे अभी काफ़ी ट्रांजिशन वाला फेज है ना, जैसे इवन मेरे घर में भी मम्मी पापा भी बाहर से ऑर्डर नहीं करके खा रहे, तो हाउ इज क्रेविंग तो होती है जलेबी की। हाँ हर चीज़ तो घर में, घर पे नहीं, जलेबी नहीं बन सकती, जलेबी तो इमरती बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ये तो जरूर आती है, बस आती है। तो फिर उसको हाउ डू यू, मतलब आप कैसे मेक श्योर करते हो कि पूरा हाइजीन वगैरह सब कुछ हो उसमें? बीकानेर वाला या हल्दीराम? नहीं मतलब घर में आता तो सैनिटाइज करते हो या माइक्रो करते हो? भाई वो कार्डबोर्ड वाले डब्बों में आती है। अच्छा तो वो इमीडिएट डिस्कार्ड हो जाते हैं। हाँ जी, और जलेबी माइक्रो? ओवन, ओवन क्रंची रहनी चाहिए। हाँ चिल्ल, वो चिड़ी हो जाएगी, चिड़ी जैसे पंजाबी वर्ड कॉल्ड चिड़ी, जो हमारे घर में, हाँ जो हमारे घर में चलता है कि जैसे भटूरे आए बोलेंगे चिमड़ी, चिमड़ी यूपी का चिमड़ी, पंजाबी का चिड़ी, और बाकी लैंग्वेजेस का पता नहीं, चिड़ी बोलते ना, सॉगी, सॉगी इज द वर्ड, सॉगी इज द वर्ड। बट समटाइम्स क्या होता है ना, एक वो चीज़ होती है ना, एक ग्राफ होता है, यहाँ पे होता है हार्डवर्क और यहाँ पे होता है उसका सेटिस्फैक्शन। वो ज़्यादा हार्ड वर्क मिल रहा है, कम सेटिस्फैक्शन, चार घंटे मेहनत करो और एक जलेबी खाओ या मतलब पांच जलेबी खाओ। अब ये क्या बन रहा है हमारा? इसका साथ का कॉम्प्लीमेंट प्याज और हरी मिर्च। मैं इसको बहुत ब्राउन नहीं करूँगी, प्याज फ्राई करने की जो खुशबू है ना वो अलग ही होती है, वो आपको किचन, वो हाँ वो आपको किचन में खींच के लेके आती है। गंदे जोक्स और अच्छा खाना ओनली एट पची पाजी। अब मैं ये वाला झरी यूज़ करती हूँ इसके लिए। हाँ मैं देख रहा हूँ इसको, घरेलू नुस्खे। इसको हम लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं करा, वी जस्ट वांट दैट कच्चापन निकल जाए प्याज का। कैरमलाइज भी नहीं किया, पुटिंग सॉल्ट विदाउट सॉल्ट बे एक्शन, द इंडियन थिंग टू डू। एक छलनी, एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू पार्ट थ्री। हाँ मिर्ची के बीज बड़ा दिक्कत करते हैं, मिर्ची के बीज, भिंडी के बीज। आर यू अ स्पाइसी पर्सन, आपको तीखा खाना पसंद है? ज़्यादा नहीं, मेरे को गोलगप्पे मीठे जो खाते हैं वो लोग पसंद नहीं आते। गोलगप्पे खाए और मीठे खाए तो क्यों खाए, मत खाओ। और वो लोग जो आधा मीठा खाते हैं और मतलब छः पीस में से तीन पीस मीठे और तीन पीस तीखे, खाने नहीं चाहिए। बचपन से खाते आ रहे, हमारा क्या गुनाह है इसमें? चलो कॉन्वर्सेशन चेंज करते हैं। सर प्रेजेंटेशन चेंज कर रही हूँ भाई, प्लेट में और उसमें तो हम लोग करते हैं ऑब्वियसली,
इंडिविजुअल सर्विंग्स बना दे रही हूँ मैं। बहुत सही। टिपिकल वे, पापड़ी, उसके ऊपर आलू पतले स्लाइस काटे हुए। हाँ हाँ हाँ, दैट इज जस्ट। ये हमारी दही भाई, पापड़ी चाट में जब तक ढंग से दही ना डाले तो कोई फायदा नहीं। सॉल्ट पे एक्शन। मुझे चाट मसाला यूज करना कतई पसंद नहीं है। मसाले भी सारे घर में बना रखे हैं। चाट मसाला से आपको क्या इशू है? कुछ फायदा क्या है और मसाले डालने? सब कुछ आपके स्पाइसेस घर के ही होते हैं। चीयर्स। सोंठ हमने टेबल पे रखी है, जिसको जितनी डालनी है मिठास चाहिए वो अपने हिसाब से डालते हैं। दैट इज सो नाइस। लटपटवा का क्या मीनिंग हुआ? एकदम चटपटा नहीं, लपेटा हुआ लटपटे। ये अब मुझे आप बताइए, ये एक चीज़ होगी, पापड़ी है, पापड़ी आओ। अच्छा, और इसको किसके साथ खाएंगे? इसको इसके साथ खाएंगे। अच्छा, वो जैसे अहमदाबाद में दाल वड़े होते हैं। हाँ, मैंने अहमदाबाद में खाए थे। बारिश में वो लोग ना बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं गुजराती। अ पार्ट ऑफ यू इज ऑल्सो गुजराती। मेरे को उन्होंने सिखाया था ऐसे, थोड़ा बड़ा बड़ा था उसको आधा तोड़ा, उसमें प्याज डालो, प्याज डाल को मिर्ची डाल के खाओ। सो नाइस। अब मास्क उतार देते हैं। वो फीलिंग आती है मास्क उतार के कि अब खाना शुरू करना है। ऑलवेज कीप सैनिटाइजर हैंडी, किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, हाँ, हमारे पास अब आप थोड़ा सा एक बार हमें ओवरव्यू दो क्या क्या आज हमारे पास है टेबल पे। तो ये हमारे पास है पापड़ी चाट, इसके ऊपर डाल रहे हैं हम सूट, बस इतनी काफ़ी है। अभी हमारे पास हमने फ़ोटोज़ खींची, इसके शॉट्स लिए, फलाना ढिमकाना किया, उसके बाद तक भी आप कह रहे हैं पापड़ी क्रिस्पी रहेगी। खा के देख लेते हैं। हाँ यार, आपकी फेवरेट चाट कौन सी है? मेरी पापड़ी चाट। लाइक गिवन एन ऑप्शन, आई विल प्रेफर पापड़ी। बट मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरी कोई फेवरेट चाट मतलब चाट होती नहीं है। चाट, मेरे पापा की, मेरे पापा को राज कचौड़ी बहुत पसंद है। ही जस्ट लव्स राज कचौड़ी। पापड़ी चाट, सौंठ डाल के, एवरीथिंग होममेड भाई। इनके मसाले भी होममेड हैं। कुडोस। वाओ, क्रिस्पी पापड़ी, आलू का पीस एकदम मस्त, और जो एकदम फिट कर रहा ना भुना हुआ जीरा, और वो आपका जो मसाला, मैं तो कोई मसाले ही नहीं डाले, फिर भुना हुआ जीरा ही होगा, और वो नमक डाला, काला नमक, लाल मिर्ची और भुना जीरा। हाँ, ये मसाले तो हो गए, बस यही तो डाला है। हाँ, तो वही डाला मैंने तो। बट वही है जो उनका जो पहला सबसे प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है ना, वही आ रहा है। देखो, भुना जीरा जब तक ज़्यादा नहीं डालेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। नाउ वी अटैक ऑन दिस। अब इसको कैसे तरीका खाएं, एक आप लो एक मैं लेता हूँ, कोई तरीका बताओ कैसे। मेरे को तो यही वाला पता यार, सिंपल ऐसे ही। हाँ, ऐसे रखो। मेरे को शाश्वत ने भी ना अहमदाबाद में ऐसे ही सिखाया था, ऐसे लिया रखो। बस गुजराती लोग समझ गए होंगे, गुजू बॉयज समझ चुके होंगे। ऐसे रखो, बंद करो और मुंह में डालो। ये हो गए हमारे वड़े पॉप्स। वड़े पॉप्स, चीयर्स। यू जस्ट पॉपिंग इट। टू 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 टू। इसको जो अनियन का टेक्सचर ना, और जो मिर्ची आती है, वाओ, अनियंस की स्वीटनेस, मिर्ची की तीखापन, ब्यूटीफुल, दिस गुड। मतलब एज अ दिल्ली वाला ना, आई वुड वांट इसके साथ में थोड़ी सी सौंठ लूँ, बट एक ट्रू गुजराती इसके साथ सौंठ लेके उसको ऑफेंड होता है वो। तो इस ट्यूसडे में गुजराती फूड चैलेंज कर रहा हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली ईट दिस इन गुजराती फूड चैलेंज। चलेगा ना गुजराती सीट दाल वड़े? वन मोर थिंग, ट्यूसडे को आएगी वो वीडियो, गुजराती फूड चैलेंज वाली वीडियो। हाँ, आई थिंक द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन दिस इज ऑल खड़े मसाले। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। काफ़ी ना वो जैसे कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने वाली खुशबू है, जैसे लौकी के लच्छे, मूली के लच्छे। कमेट विद सम मूली के लच्छे, कुछ भी डाल दो, मूली सीजन में है तो ले लो, नहीं है तो। आने वाली है दिल्ली की सर्दी भी, आने वाली है। वी विल बी बैक विद दिल्ली की सर्दी सीजन 2, दाल वाली और एक मटर वाली ज़्यादा फूलती है मेरे को याद है। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, पार्ट 5।
अभी दिल्ली की सर्दी आएगी तब हम लोग मूली के पराठे भी खाएंगे, आपको कहीं के दिखाएंगे, बट अभी फिलहाल कोरोना काल के एपिसोड नंबर 4 में हम लोग खा रहे हैं घर का खाना विद शची जी। कैमरा मारिए, स्माइल करिए। चलिए लेट्स ईट। काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी लाइट्स हैं। ओ नहीं, हाँ सही है, मैं समझ रहा हूँ ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। लौंग का एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकदम आफ्टर टेस्ट जो है ना, लौंग का फ्लेवर आया, बहुत बढ़िया। वेरी सिंपल एंड येट वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लेवर, कि मतलब आप खा रहे हो ना, पहले आपको कोई और फ्लेवर आ रहा है, फिर मिड वे आपको कोई और फ्लेवर आ रहा है, एकदम जाते जाते अब मेरे टेस्ट मुँह में सिर्फ ऐसे लौंग का फ्लेवर है, जैसे लगा हुआ कि मतलब एकदम मुखवास भी हो गया एक ही बाइट में। बट ये ऐसी मैंने ये वाली सब्ज़ी मैंने बनारस में नहीं खाई, मतलब दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट, मतलब हर बंदे का बनाने का अलग अलग तरीका है, हर जोन का अलग अलग तरीका है। पास में आओ फटाफट आ जाओ, एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक एट मटर की कचौड़ी। नाइस, ब्यूटीफुल। एक बाइट हम लोग इसकी लेते हैं। This actually is a very popular combination. I can see why. एकदम ना बढ़िया, एकदम जो मटर है ना, हाँ वो ब्लेंड कर रहा है, काफ़ी अच्छा ब्लेंड कर रहा है, नाइस। अच्छा मेरे को आप एक एस्टिमेट दो, इफ़ अ फैमिली ऑफ फोर वॉन्ट्स टू ऑर्डर सपोज कचौड़ी सब्जी, ये मैं 180 का प्लेटर देती हूँ। 180 का, एंड इसमें चार कचौड़ी रहती है, चार कचौड़ी आलू की सब्जी रहती है, और कोई अचार या मूली लच्छा या कुछ ना कुछ इस तरह कुछ साइड में कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो कचौड़ी ज़रूर ऑर्डर करना। अब हम लोग कैमरा बंद कर देंगे, सब आराम से मज़े से खाना खाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, पूरे हफ्ते तो सीरीज़ आते रहती है, गुजराती फूड 24 आवर चैलेंज करेंगे, और नेक्स्ट संडे अगर सुरताल मिल गए ना, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल करने की सोचा। नेक्स्ट संडे वो वीडियो के अनाउंसमेंट देखोगे, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। टिल देन स्टे वेजिटेरियन, मज़े से रहो, खुश रहो, और बस जीते रहो कोरोना काल में, सैनिटाइजर यूज़ करते रहो और प्रिकॉशन लेते रहो। ये मास्क जो है ना, इसको ऐसे मत टच करो, मैं एक ऐसे टच करो मास्क को भी ऐसे सैनिटाइज़ करते रहो, या फिर कपड़े वाला मास्क धोते रहो, हाँ जैसे भी रहो भाई, सेफ रहो, और घर का खाना खा लो, वरना बाहर से घर वाला खाना खा लो। एब्सोल्युटली, इसी नोट पे एंड करते हैं, बाय बाय।